بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हमारी बहस शुबाए हुक्मिया तहरीमिया के बारे में हो रही है कि जहाँ पर नस मौजूद ना हो वहाँ पर उलमाए उसूलीन का नज़रिया ये है कि इसालतुल बराअत जारी करेंगे, और उन्होंने अपने इस मुद्दा को साबित करने के लिए क़ुरान व सुन्नत व अक़ल से मुदल्लल जवाब दिया है और इस्तदलाल करने की सई की है। अब आज की जो बात है वो इसी शुबह हुक्मिया तहरीमिया के बारे में है, लेकिन यहाँ पर हम अखबारीन की नज़र और उनके बयानात को डिस्कस करेंगे। शुबह हुक्मिया तहरीमिया के अंदर अखबारीन का नज़रिया ये है कि यहाँ पर एहतियात करना वाजिब है, यानी वो वजूब एहतियात का हुक्म लगाते हैं। उसूलीन के मुकाबले में ये भी अपने इस मुद्दा को साबित करने के लिए क़ुरान व सुन्नत व अक़ल से इस्तदलाल करते हैं, लेकिन साथ साथ उलमाए उसूलीन इनके इन इस्तदलालात को कबूल नहीं करते और वो इनकी इस्तदलाल का जवाब देते हैं। इंशाल्लाह इनके जवाबात को जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। पहली दलील के जो अपने मुद्दा को साबित करने के लिए देते हैं वो क़ुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी ऐ अहले ईमान तक्वा इख्तियार करो और अल्लाह से इस अंदाज़ में डरो कि जैसा उससे डरने का हक़ है, और तुम इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो। अब यहाँ पर इस तरह जो इस आयत से जो इस्तदलाल करते हैं वो वजह इस्तदलाल ये है कि एक क़ियास से मंतकी तश्कील देते हैं जिसमें सोगरा भी मौजूद है कुबरा भी मौजूद है, और उससे एक नतीजा अख्ज़ करते हैं। अखबारीन कहते हैं कि यहाँ पर सोगरा ये है कि हर वो चीज़ के जो मुहतमल हुरमा हो, यानी जिसके अंदर हुरमत का एहतमाल मौजूद हो, कहते हैं उससे इज्तनाब करना ये तकवा से शुमार होता है। अब कुबरा क्या बनेगा, यानी हर वो चीज़ के जो तकवा से शुमार हो बस वहाँ पर उससे यानी वो वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ इत्तकुल्ला आया है तो ये अम्र है और अमर जो है वो ज़ुहूर फिर वजूब रखता है। तो बस हर वो चीज़ के जो तकवा से शुमार हो वो क्या है, वाजिब है। बस नतीजा ये निकलेगा कि मुहतमलुल हुरमा से इज्तनाब करना वाजिब है। बस इस एतबार से यहाँ पर जो शुबह हुक्मिया के अंदर हुरमत का एहतमाल मौजूद है इससे इज्तनाब किया जाए और एहतियात की जाए और रुका जाए, न ये कि उससे आप जो है वो बरात जारी करें और तरखीस का हुक्म लगाएं। लेकिन उसूलीन जो है इनकी इस बात को कबूल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आपका कुबरा दुरुस्त नहीं है। क्यों,
कहते हैं कि हर वो चीज़ के जो तकवा से शुमार हो, कहते हैं कि उसको अपनाना वाजिब है। कहते हैं कि कुल्लन आप ये बात नहीं कर सकते, चूँकि जो कुबरा होता है वो कुल्ली होता है, और कहते हैं कुल्ली तौर पर आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो तकवा होता है उसकी दो किस्में हैं, कभी तो वो बदकारियों और फिस्क व फजूर के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, और कभी जो तकवा मुकाबल करार पाता है वो ये होता है कि जो हर काबिल रगबत चीज़ होती है उसको अंजाम देना उसमें वाजिब भी आ जाता है, मुस्ताहब भी आ जाता है, और इसी तरह हर वो चीज़ जिससे परहेज़ करना पसंदीदा हो उससे परहेज़ करना, ये इसके मुकाबले में भी तकवा है। इसके अंदर फिर हराम भी आ जाता है और मकरूह भी आ जाता है। तो कहते हैं ये जो दूसरी किस्म है ना रगबत वाली, कि जिसमें वाजिब के साथ मुस्तहब भी आ गया, जिसमें हराम के साथ कराहत भी मौजूद है, कहते हैं कि यहाँ पर हर हाल में कहना कि तकवा वाजिब है, कहते हैं इसका कोई भी कायल नहीं है। ठीक है, पहली सूरत में कि जहाँ पर तकवा फिस्क व फजूर के मुकाबल करार पाता है वहाँ पर दुरुस्त है कि तकवा जो है वो हर वो चीज़ के जो तकवा शुमार हो वो वाजिब है, लेकिन दूसरी सूरत में बहरहाल ये हुक्म लगाना जिसमें मुस्तहब भी है कि मुस्तहब कोई भी कायल नहीं है कि मुस्तहब चीज़ों में जो है वो तकवा वाजिब है, या मसलन मकरूह में जो है वो परहेज़ करना ये ज़रूरी है, ये तो मकरूह और मुस्तहब के माने के भी बरखिलाफ़ है। तो आपका यहाँ पर जो कुबरा है वो कुबरा मुसल्लम नहीं है, साबित नहीं है, आपका कुबरा जो है वो दुरुस्त नहीं है। बस इस एतबार से जो आपने क़ज़िया मंत की तश्कील दिया है वो दुरुस्त नहीं है, बस इस एतबार से जो है आप इस आयत करीमा के ज़रिए से शुबाए हुक्मिया तहरीमिया के अंदर एहतियात के वजूद को साबित नहीं कर सकते। दूसरी जो अखबारी हजरात शुबह हुक्म तहरीमिया के अंदर एहतियात को वाजिब करने के लिए दलील पेश करते हैं वो सुन्नत से है। वो कहते हैं कि सुन्नत में भी बहुत सारे ताइफ़े हैं, जिनमें से पहला अगर ताइफ़ा जो है उसको देखा जाए तो उसमें ये आता है कि रिवायात का लुब लुबाव ये है कि बग़ैर इल्म के, बग़ैर यकीन के, बग़ैर क़त के फतवा देना, यानी एक मुझे इल्म नहीं है कि ये वाकयान हुक्म शरी है और फिर उसको शरी बनाकर फतवा देना कि ये ऐसा है, कहते हैं कि ये हराम है, यानी रिवायात का लुब लुबाव ये है। या मसलन असलन उस पर दलील नहीं है और कह देना कि मसलन ये हुक्म शरी है, या ये कि दलील तो है जिस तरह क्यास है इस्तेसान है, लेकिन ये ऐसी दलीलें हैं कि जिनको जो है वो हुज्जत करार नहीं दिया जा सकता, तो बस इन बुनियादों पर फतवा देना भी वो फतवा जो है वो बिला इल्म शुमार होगा और बिला इल्म फतवा जो है वो हराम है। बस अगर यहाँ पर महनानफी में अगर हम आ जाएं कि हमें इल्म नहीं है कि मसलन शुबह हुक्म तहरीमिया के अंदर जो है क्या करना है, चूँकि नस मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमें इल्म नहीं है। अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन फतवा देने दे देना मसलन के तुम ये करो यानी कर सकते हो, यानी बरात को जारी करना, मसलन तदखीनियात में जो है सिगरेट नोशी को कहना कि ये तुम्हारे लिए मसलन इसका इस्तेमाल जायज़ है, कहते हैं कि ये फतवा बिला इल्म है और ये हराम है। बस नतीजा ये निकला कि यहाँ पर एहतियात करनी चाहिए और न कि जो है वो बरात जारी करनी चाहिए। लेकिन इसका जवाब देते हैं कि उसूलियन फरमाते हैं कि जो चीज़ ऐसी रिवायात से मुस्तफाद होती है और साबित होती है वो ये है कि यहाँ पर कतई तौर पर कह देना कि वाक़े में भी यही हुक्म है, यानी वाक़े में भी जो है वो छुट्टी है, तरखीस है, तो इस अपने ये जो बरात जारी हो रही है और फतवा दिया जा रहा है इसको वाक़े की तरफ निस्बत दे देना, कहते हैं कि ये ठीक है इफ्ताह बग़ैर इल्म ये शुमार होता है, लेकिन उसूलियीन इस अंदाज़ में फतवा नहीं देते हैं, बल्कि उनके फतवा देने का जो अंदाज़ है वो ये है कि
वो कहते हैं हमें छानबीन के बाद जो हमने अदिल्लाए शरीए अखलिया को बुनियाद करार देकर छानबीन की है और फिर उससे ये जो है वो हुक्म ज़ाहिरी अख्ज़ किया है कि यहाँ पर मन नहीं है, यानी ये नहीं कहते कि वाकई में भी जो है वो मन नहीं है, नहीं हो सकता है कि हम जो है वो ख़ता कर रहे हों, लेकिन ज़ाहिरन ये लगता है कि यहाँ पर कोई ममनूईयत मौजूद नहीं है चूँकि फ़ुकदान नस का मौरद है। बस इस एतबार से जो है इस अंदाज़ में फ़तवा देना ये इफ्ता बदून इल्म की कैटेगरी में नहीं आता, लिहाजा नहीं आता है तो बस हराम भी नहीं है। तर्जमा इंतहाई आसान है, फरमाते हैं कि अदिल्लत अल-अखबारीयीन अला वुजूब अल-एहतियात फी शुबहत अल-हुक्मियत अत-तहरीमिया, कहते हैं कि अखबारीयीन जो है वो दलीलें देते हैं, दलाइल पेश करते हैं किस पर कि शुबह हुक्मिया तहरीमिया के अंदर एहतियात करना वाजिब है। वो कहते हैं कि इस्तदल अल-अखबारीयून बिअदिल्लतिन सलासा, अखबारियों ने जो है अपने इस शुबह हुक्मिया तहरीमिया के अंदर वजूब को एहतियात को साबित करने के लिए तीन दलीलों से जो है उन्होंने इस्तदलाल किया है और अपने इस मुद्दा को साबित करने की कोशिश की है, जिनमें से पहला किताब है व सुन्नत, दूसरी सुन्नत है वल अक्ल और तीसरी अक्ल है। फल नुदर्रिस कुल वाहिद तिल वल आखर, हम यहाँ पर एक के बाद दिगरे इनको पढ़ेंगे। पहला जो है अल इस्तदलाल बिल किताब, कुरान मजीद से वो इस्तदलाल करते हैं। अल आयातुल आमिरा बि तक्वा बि क़द्रिल वुस्अ व ताक़ा, कहते हैं कि वो आयात के जो हमें अपनी ताकत और वसअत के मुताबिक तक्वा इख्तियार करने का हुक्म देती हैं, वो हमारे इस मुद्दा पर बतौर दलील पेश की जा सकती हैं। قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, سورہ آل عمران آیت 102। इससे यूँ इस्तदलाल करते हैं कि ان اجتناب محتمل الحرمه يعد من التقوى, हर वो चीज़ के जो जिसमें हुरमत का एहतमाल मौजूद हो, कहते हैं कि उससे इज्तनाब करना तकवा है, और हर वो चीज़ की जो तकवा शुमार हो फहुव वाजिब, वो वाजिब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमर आया है बहुक्म अन्नल अमर फी तकुल्लाह, चूँकि इतकुल्लाह आया है तो यकीनन तकवा इख्तियार करना जो है वो वाजिब है, जो दलालत करता है अलल वुजूब। फ़ैयुन तज, बस नतीजा निकाला जा सकता है कि अन इज्तनाब मुहतमिल हुरमा वाजिब, कि हर वो चीज़ जिसके अंदर एहतमाल हुरमत मौजूद हो, कहते हैं कि उससे रुकना वाजिब है। युलाहदु अलैह, इस पर उलमाए उसूलीन इश्काल करते हैं, कहते हैं कि ये आपने जो क़ज़िया मंत की तश्कील दिया है इस आयत से, कहते हैं उसमें कुबरा जो है वो मखदूश है। अन्ना कुल्लियतुल कुबरा ममनुआ, कहते हैं कि यहाँ पर जो कुबरा है उसको कुल्ली होना चाहिए जबकि वो कुल्ली नहीं है। क्यों? ऐ लैसा कुल्लु मा युअद्दु मिन अत्तक़्वा फ़हुवा वाजिब, यानी हर वो चीज़ के जो तकवा शुमार हो वो वाजिब हो ऐसा नहीं है। क्यों? وذلك لأن التقوى تستعمل تارة في مقابل الفجور, कहते हैं कि तकवा की एक किस्म तो ये है कि कभी कभार तकवा फिस्क फजूर के मुकाबले में, बदकारियों के मुकाबले में आता है। इसमें तो फरमाते हैं वला शक फी वजूब मिसलिहा बिआमत मरातिबिहा, अमूमी मरातिब को देखते हुए इस तरह का तकवा जो है वो कहते हैं इसके वजूब में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है, ये तो वाजिब है। जैसे मसलन अल्लाह ताला फरमाता है अम नजाल المتقين متقين كالفجار, क्या हम जो है वो मुत्तकी लोगों को बदकार लोगों की तरह करार देंगे? तो यहाँ पर जो मुत्तकीन है वो फुजार के मुकाबले में है, तो ये वाला तकवा जो
एक अमूमी मरातब में जो है वो इख्तियार करना वाजिब है, इसमें तो किसी किस्म का इश्काल नहीं है। या जैसे एक और आयत है कि फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कि अल्लाह ताला ने उस नफ्स को फिर दो चीज़ों की हिदायत दी, एक जो है वो फुजूर की और एक तकवा की। तो अब यहाँ पर ये जो तकवा है ये फुजूर के मुकाबले में है और इसको अपनाना वाजिब है, इसमें तो हमें भी मसला नहीं है। आपका कुबरा जो है दूसरे तकवे में आकर, जो तकवा का जो दूसरा माना है उसमें आकर टूट जाता है, वो कुल्लियत ख़त्म हो जाती है। वो कौन सा है? وقد تطلق ويراد منها ما يعم القيام بكل مرغوب فيه من الواجب والمستحب। कहते हैं कि कभी तकवा मुतलकन बोला जाता है और उससे मुराद ली जाती है हर वो चीज़ के जिसमें यौमुल क़याम, जिसमें क़याम आम है, क़याम जिसको शामिल है, किसको शामिल है? बिकुल मरगूबिन फ़ीहि, हर वो चीज़ के जो पसंदीदा है, जिसमें रगबत है। कहते हैं कि हर काबिल रगबत चीज़ का क़याम जो है, चाहे वो वाजिब हो चाहे मुस्तहब हो। कहते हैं कि अगर तकवा इस माने को शामिल है, या मसलन वत्तहर्रुज़ अन कुल्लि मरगूबिन अन्हु मिन हरामिन व मकरूह, हर वो चीज़ के जिससे दूर रहना और बचना पसंदीदा है, कहते हैं कि उस पर तकवा का जो इतलाक है, चाहे वो हराम हो चाहे मकरूह हो। कहते हैं ये वाला जो तकवा है, फरमाते हैं कि इसमें जो है वो हम नहीं कह सकते हैं मुतलकन के हर वो चीज़ जो तकवा शुमार हो फहुवा वाजिब। इसकी मिसाल क्या है? जैसे ये तकवा व तज़व्वदु फ़इन्न खैर ज़ाति तकवा, बस तुम जो है वो ज़ादे राह जो है वो इकट्ठा करो कि बेहतरीन ज़ाद राह तकवा है। फ़फ़िमिफ़ल दालिका, बस इस जैसा जो तकवा है जो दूसरा माना हमने रगबत वाला किया है, तकून तकवा वाजिबा, ये तकवा भी वाजिब है लेकिन बेबाद मराते बिहा ला बेकुल मराते बिहा, ये बाज जगहों पर वाजिब है, हर जगह पे ये वाजिब नहीं है। ويحمل الامر في تزود وعلى الاستحباب। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि تزود امر आया है तो कहते हैं हम इसको मुस्तहब पे हमल करेंगे। कल आया التي استدل بها في المقام, जिस तरह के वो आयत के जिससे इस मौरद में इस्तदलाल हुआ है, तो यहाँ पर कहते हैं ये तकवा वाजिब बहरहाल नहीं है, बस कुल्लिया ये कुबरा टू। दूसरी जो रिवायात से इस्तदलाल करते हैं, इस्तदल अखबारियों ने बतवाइफ मिन रिवायात, इस्तदलाल जो है वो अपने मुद्दा पर इस्तदलाल करते हैं रिवायात के तवाइफों में से। पहला यह है कि हुरमतुल इफ्ता बिला इल्म, बगैर इल्म के फतवा देना हराम है। कहते हैं दल्ला तवाइफतु मिन रिवायात अला हुरमतिल क़ौल वल इफ्ता बिगैर इल्म, कहते हैं रिवायात दलालत करती हैं कि बगैर इल्म के फतवा देना, कहते हैं कि ये हराम है। अब इफ्ता बिमौलम यदुल्ल दलील अला हुज्जियत ही, या मसलन ऐसी दलील को बुनियाद बनाकर फतवा देना कि जो हुज्जत नहीं है, जिस तरह के कल क़ियास वल इस्तेहसान, जिस तरह सही हशाम बिन सालम की है कि क़ुल्तु लिअबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मा हक़ अल्लाह अला खल्क़े, मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह ताला का उसकी मखलूक की गर्दन पर हक़ क्या है, तो फरमाया यकूलु मा यालमून व यकुफ़ु अम्मा यालमून, के जो जानते हैं वो कहें, जो नहीं जानते हैं उनसे इज्तनाब करें, रुके रहें। फ़ैदा फ़ालु ज़ालिका, बस अगर वो ऐसा करते रहेंगे, फ़क़द अद्दु इलल्लाहि हक़्क़ा, तो गोया कि उन्होंने अल्लाह ताला का हक अदा कर दिया है। व बिहादल मज़मून रिवायात कथीरत फ़ी नफ़्सिल बाब, कहते हैं कि इस मज़मून के जैसी जो रिवायात हैं वो इस बाब में बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर अगर शुबह हुक्मी तहरीमिया है तो वहाँ पर चूँकि नस मौजूद नहीं है, इस एतबार से इल्म नहीं है, बस बग़ैर इल्म के फतवा देना जो है, कहते हैं कि ये हराम है, दुरुस्त नहीं है। युलाहदु अलैह, उसूलियों ने इस पर इश्काल करते हैं कि अन्नल मुस्तफाद मिना रिवायात, रिवायात से जो पता चलता है वो यह है कि अन्नल इफ्ता बिअदमिल हुरमतिल वाक़ईयत फ़ी मौरिद शुबहत युअद्दु क़ौलन बिला इल्म, कहते हैं कि वो फतवा देना कि बेआदमिल हुरमत वाक़ईया, यानी ये कहना कि हुरमत वाक़ईया यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर? फी मौरद शुबा थे, शुबा के मौरद में
डायरेक्टली ये कहना कि यहाँ पर हुरमत वाकिया नहीं है, युअद्दु कौलन बिला इल्म, ये तो फतवा बिला इल्म शुमार होगा। वहाद मा यहतारिज अन्हु उसूलियून, ये वो मौरिद है कि जहाँ पर उसूलियून एतराज़ करते हैं और ऐसा फतवा जारी नहीं करते। लेकिन वामल कौल बे आदम इल्मन ज़ाहिरन, लेकिन ये फतवा देना, ये कहना कि ज़ाहरी तौर पर यहाँ पर कोई ममनूइयत मौजूद नहीं है, हत्ता यअलम अलवाक़ि मुस्तनदन इला अदिल्लति शरईयति वल अक़लिया, यहाँ तक कि वाक़े का इल्म ना हो जाए। कैसे जो है इसका ताल्लुक इससे है, बेअदम इल्मन ज़ाहिरन मुस्तनदन, यानी ज़ाहिरन जो है वो कहना कि मन ममनूयत नहीं है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास अदिल्लाए शरईयाए अक़लिया मौजूद हैं, उनसे हमने ज़ाहिरन अख्ज़ किया है। तब तक जो है वो हम अदम मन कहेंगे जब तक जो है वो हुक्म वाक़े मालूम ना हो जाए। कहते हैं कि अगर इस अंदाज में फतवा दिया जाता है फलाई सकौलन बिला इल्म, तो ये फतवा बिला इल्म शुमार नहीं होगा। वह हुआ नफ्सु मा युक्सदुहुल उसूली, और ये वही है ऐनन के जिसका उसूलियों जो है वो कस्द करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।